अब क्या कह रहा है, द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज गिवन ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए ओ बी ओ ए ए बी बी सी सी डी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखो थोड़ा सा इस ग्राफ को अपन ऐसा बनाते हैं, एक्स टी ग्राफ गिवन है, ओ से बी तक तो बेटा एक कर्व बन रहा है ना, ऐसा हल्का सा कर्व है ऐसा, ए से बी तक एक लाइन है, बी से सी तक फिर कर्व है और सी से डी तक फिर लाइन है, ओ ए बी सी डी। अब ओ से ए में अगर हम देखें तो ओ से ए में क्या हो रहा होगा, सर कर्व है, कर्व पर अगर आप देखोगे, कर्व पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा होगा, ऐसा कर्व है, अगर इस एक्स टी ग्राफ का हम वो ले लें स्लोप ले लें, तो स्लोप कैसा बनता है, ऐसा धीरे धीरे एंगल बढ़ता ही जा रहा है ना, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी का बढ़ने का मतलब है ओ से ए वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तभी तो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम, ओ से ए में एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अच्छा ए से बी में क्या हो रहा है, तो ए से बी में ऐसी लाइन है, ए से बी में एक स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, और ए से बी में अगर वेलोसिटी, आपको कैसे पता वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, अरे पढ़ाया था ना एक्स टी ग्राफ पे, अगर ऐसी लाइन बन जाए इट मीन्स वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी के कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज जीरो। अब बी से सी में ऐसा एक कर्व है ग्राफ, तो यहां पर स्लोप कैसा है देखो, अरे सर यहां पर ना बताएं वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घटने का मतलब क्या हुआ, बी से सी में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग क्योंकि स्लोप घट रहा है, स्लोप के घटने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव। सी से डी में अगेन है स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेशन तो होना ही है जीरो, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वाला। तो दिस इज दी आंसर टू दी प्रॉब्लम, गॉट इट एवरीवन। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मुझे ये जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है ये कर्व पैराबोला है या टू डिग्री कर्व है, लेकिन मुझे ये जानकारी वेलोसिटी के नेचर से मिल गई है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है।